मंगलवार को हम लोग ग्रेटर बार एसोसिएशन ऑफ संकल्प संस्था के माध्यम से हम दीवानी परिसर में एक रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं, और इससे जो ब्लड हमें मिलेगा वो मेडिकल कॉलेज में आने वाले जो गंभीर मरीज हैं, ट्रॉमा के हैं, कैंसर के हैं, बहुत सीवियर एनीमिक प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या और जो सीरियस पेशेंट्स हैं उनके उपयोग में लाया जाएगा। ये सर देखा जाता है कि मोस्टली टेम्पलेट जो हमने इसीलिए छपवाए हैं, आप इसके माध्यम से आगरा की जनता को जागरूक कर सकते हैं कि जो भी व्यक्ति ब्लड डोनेट करता है, चाहे किसी भी बैंक में करे, उसको एक कार्ड दिया जाता है। उस कार्ड के अगेंस्ट में वो समय सीमा अलग अलग है, कुछ बैंक एक साल तक सुविधा देते हैं, SN हॉस्पिटल जो हमारा ब्लड बैंक है उसमें 6 महीने तक उसको या उसके किसी परिजन को रक्त की आवश्यकता होती है तो उसको बिना डोनेशन दिए ब्लड मिल जाता है। रक्तदान करने से कमज़ोर रहते हैं निसंदेह। अब तक चूंकि इस तरह की संस्थाएं नहीं थी, ये संस्थाएं जब आई हैं संकल्प जैसी संस्था, इन्होंने बहुत जागरूक किया है लोगों को। इस तरह की संस्थाएं अगर जागरूक पहले से करती रहती और आम जनता के बीच में जागरूकता बढ़ती तो ये खूनदान की जो समस्या है पैदा नहीं हुई होती शुरू में। आज हर आदमी चाहता है कि मतलब वो खून दे अपना, और युवा खासकर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है क्योंकि उन युवाओं में बहुत जागरूकता है, तो ये बात सही है। और संकल्प संस्था के माध्यम से दीवानी कचहरी में अधिवक्ताओं से ब्लड डोनेशन के लिए अपील भी की गई है और ये कैंप में ब्लड डोनेट भी करेंगे। ग्रेटर आगरा बार एसोसिएशन पूरी तरह से इसमें सहयोगी है और सहयोगी भूमिका निभा रही है।